बेत कारीगरी पाई खोर्धा जिलार बाणपुर सारा ओडिशा प्रसिद्ध। खाली ओडिशा नुहे बरं ओडिशा बाहरे मध्य एहार चाहिदा ढेर रही। सुंदर कारुकार्यरे निपुण कारीगर माने परिवार प्रतिपोषण निमित्त बेत काम को निजर जीविका भाव में धरी नहीं। केन्द्र हेउ कि राज्य कुटीर शिल्प को अग्राधिकार दिजार डिंडीम पिटुले भी बास्तव चित्र अलग बोली बाणपुर स्थित एक बेत कारीगर को देखने जमापड़े। दिन था निज अंचल हो कि ओडिशार कोण अनुकोण में बेत रीति नाना उपकरण घरपाई क्रय करुले। मूल्य अहेतुक वृद्धि हेतु धीरे धीरे लोकंर आग्रह कमिगला जहाँफल आउ आगभली बिक्री होना बोली बेत दोकान दोकानी मैंने सेतबेले प्राय 50 रु ऊर्ध दोकान थे एवं हाथ गणती 8-10 दोकानी निज बेउस को भरोसा कर बेत कम जारी रखिंट। सरकार किसी लोन मिली सब्सिडी लोन किसी मिले दुकान मालिक किसी लाभ पाइबे कारीगर मान किसी लोन सुविधा हेल्ले भी कारीगर मान बेत कम करेंगे गवर्नमेंट रु आम चाहू। कारीगर मैंने दिनक मात्र 400-500 टंका मजूरी में सीमित रहिबार बहु कष्ट पर प्रतिपोषण करने दुर्दिन कालातिपात तो करुं। लोकाल मार्केट रे एहार चाहिदा नथिबा योजना अर्डर अनुसार भुवनेश्वर ब्रह्मपुर और कटक को बेतरे निर्मित बहु उत्कृष्ट शौखीन आसबावपत्र सप्लाई करुथिबा दोकानी माने कहिछन्ति। दामिकिया बा कारुकार्यपूर्ण जिनिष बिक्री करिबेको हेले जेउ माने अर्डर दियन्ति सेमानक पई तयारी करुछन्ति। प्लास्टिक जोगो बेत सामग्री चाहिदा एबे बदली जाइछि। बेतर कंचामाल आसाम एवं कलिकतारु चढ़ा दर रे किणुथिबा बेले लोकाल बेत जंगल पाखापाखि गांगुड़ीकर लोकमानक पाखरु किणा जाउथिबा दोकानी माने कहिछन्ति। किछे दिन पूर्वरु केन्द्र बयन मंत्री दर्शना जरदोस बाणपुर गस्त बेले बेत दोकान गुड़ी परिदर्शन कर सरकार तरफ सब प्रकार साहाज्य दिजो बोली प्रतिश्रुति देते किंतु प्रतिश्रुति केवल प्रतिश्रुति रे ही रहीगला। सरकार कौन सी योजना यही गाँ लोकों पाखे पहुंची पारिना। सरकार तरफ जदि साहयोग मिले तेब पुणी बाणपुर एही कुटीर शिल्प आग को बढ़िबा सुनिश्चित हेबो। नचेत बाणपुर प्रसिद्ध एही बेत कारीगरी आगामी दिन हजिजबो कारण एही व्यवसाय करी बंचिबा लोक मानक पई मुश्किल होई पड़िछे। समस्त नजर खोर्धा जिला चिलिकार कानूचरण बेहरा।